आज हम लोग पहले एक यूकैरियोटिक सेल के और हम लोग जानते हैं, जैसे पहले एक चीज ये जान लिया जाए कि एक यूकैरियोटिक सेल दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं प्लांट सेल, दूसरे को कहते हैं एनिमल सेल। तो अगर कोई हम एक प्लांट सेल सेलेक्ट करते हैं जो यूकैरियोटिक सेल है, तो उस प्लांट सेल के कितने पार्ट होते हैं, इंटरनली उस प्लांट सेल में और कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो पहले उसका एक क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं और फिर एक एक चीजों की डिटेल स्टडी की जाती है। तो अगर किसी प्लांट सेल को हम लोग देखें तो सबसे पहले उसको तीन पार्ट में बांटा जाता है। पहला है सेल वॉल, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तीसरा है प्रोटोप्लाज्म। एक चीज इसको ऐसे समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये बाउंड्री है, सबसे आउटर बाउंड्री है जो उस सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या उसके सराउंडिंग से अलग करती है, सेपरेट करती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। अब अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसी से लगा हुआ कोई एक दूसरी वॉल डेवलप कर जाती है, बनती है, तो उसका नाम होता है सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होता है, तो सेल वॉल एक रिजिड बॉडी होती है। सेल वॉल एक रिजिड बॉडी होती है, एक रिजिड बॉडी होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, ठीक है। तो अगर सेल वॉल है तो उस यूकैरियोटिक सेल को हम लोग प्लांट सेल के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक ऐसी आउटर बाउंड्री होती है सेल को जो एक निश्चित सेल को एक निश्चित शेप देती है और साथ ही साथ उसको उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने मटेरियल पाए जाते हैं सब कुछ वो सब प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है, तो प्रोटोप्लाज्म एक क्रिस्टेलो कोलाइडल सबस्टेंस होता है। इसका डिटेल अभी हम लोग क्रिस्टेलो कोलाइडल सबस्टेंस का मतलब समझेंगे। क्रिस्टेलो मतलब क्रिस्टल उसमें पाए जाते हैं और कोलाइडल सबस्टेंस पाए जाते हैं। कोलाइडल नेचर क्या होता है आगे आपको बताते हैं प्रोटोप्लाज्म में। अब इस प्रोटोप्लाज्म में दो भाग होते हैं, पहला है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जैसे ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भाग हैं इस सबको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बीच वाले को कहा जाता है न्यूक्लियस जो सेंटर में है, और उसके चारों तरफ जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एक फ्लूइड लाइक सबस्टेंस जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स डूबे रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। जब इस साइटोप्लाज्म कब कहेंगे, जब फ्लूइड और प्लस सेल ऑर्गेनेल दोनों, ये फ्लूइड लाइक सबस्टेंस और सेल ऑर्गेनेल ये दोनों मिला देते हैं तो हमारा नाम होता है साइटोप्लाज्म। और अगर हम उस फ्लूइड में से सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल लें, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल को, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको अलग कर लेते हैं, तो जो केवल फ्लूइड बच जाता है उसे कहा जाता है हाइलोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड है वो हाइलोप्लाज्म है और जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल है, अब उसकी बात करते हैं, जिसको मिला देने से साइटोप्लाज्म बनता है। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पहला सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स जिसको कहा जाता है मेटाबॉलिकली एक्टिव सबस्टेंस। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सबस्टेंस होते हैं, हम लोग जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है। ऐसे सारे हमारे शरीर के अंदर होने वाले या किसी भी लिविंग बीइंग के होने वाले ऐसे सभी बायोकेमिकल रिएक्शन जिसके कारण जितने लिविंग प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, उन्हें हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ही कोई ना कोई फंक्शन होता है, तो ये सब मेटाबॉलिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स। और दूसरा सेल इंक्लूजन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, मतलब ये है कि जो हाइलोप्लाज्म है उस हाइलोप्लाज्म में कौन कौन से सब्सटेंस इस हाइलोप्लाज्म में डूबे हुए हैं, तो उन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में, लेकिन वो
एक्सक्रीटरी मटेरियल है, सेक्रेटरी मटेरियल है, रिजर्व मटेरियल है, जो सब उस हायलोप्लाज या बोलो जो साइटोप्लाज्म है उस फ्लूइड के अंदर सभी डूबे रहते हैं। तो वो तीन कैटेगरी होती है उनकी, एक रिजर्व मटेरियल और एक एक्सक्रीटरी मटेरियल और तीसरा सेक्रेटरी मटेरियल। हम लोग पढ़ते हैं, पहले देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव सब्सटेंस, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर डीएनए पाया जाता हो, ठीक है, वो अपने काम का रेगुलेशन खुद भी कर सकते हैं, खुद करते नहीं खुद भी कर सकते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स उन्हें कहते हैं। और ये बाउंडेड बाई डबल यूनिट मेम्ब्रेन, डबल यूनिट मेम्ब्रेन, चारों तरफ से इनके डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनका एग्जांपल है पहला माइटोकांड्रिया और दूसरा प्लास्टिड्स, और ये प्लास्टिड्स तीन तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये तीन तरीके के प्लास्टिड्स। तो ये जो दोनों माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड्स, मतलब हम लोग डिटेल क्लोरोप्लास्ट का पढ़ते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया ये दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, डबल बाउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ डबल यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब जो नॉन ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर डीएनए या कोई ऐसा हेरिडिटरी मटेरियल नहीं पाया जाता है, तो उन्हें नॉन ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। और इसको तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, पहला नॉन सेल ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन, तो इसमें आता है गॉल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे नॉन ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स जो बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, जिनके चार तरफ केवल सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, वो होते हैं लाइसोसोम, पराक्सीसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ये सब वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होते हैं, ठीक है। ये वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होते हैं। और तीसरा जो तीसरी कैटेगरी आती है कि विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो विदाउट मेम्ब्रेन के पाए जाते हैं, जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो वो है राइबोसोम और दूसरा है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम और राइबोसोम, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जितने सेल ऑर्गेनेल्स थे सबसे पहले उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, नॉन ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स का और सेमी ऑटोनोमस जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं डबल मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से घिरे रहते हैं, वो होते हैं माइटोकांड्रिया, प्लास्टिडिया, क्लोरोप्लास्ट। जो नॉन ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बताए, नॉन ऑटोनोमस मतलब जिसमें कोई डीएनए टाइप चीज नहीं पाई जाती है, तो डीएनए नहीं पाया जाता है, नॉन ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
बाउंडेड बाई सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन लाइसोसोम पराक्सिसोम स्पेरोसोम ग्लाइऑक्सिसोम और विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम सेंट्रोसोम। एक एक का डिटेल हम लोग पढ़ना है। फिर अब आते हैं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंस में, तो इसमें जैसे पहला है रिजर्व मटेरियल, कहां रहेगा ये हाइलोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं। अब रिजर्व मटेरियल में कौन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट और लिपिड, ये तीन रिजर्व मटेरियल हैं जो उस हाइलोप्लाज्म में यानी जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक, दूसरा रिजर्व के बाद में सेक्रेटरी मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल जो सेल के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, सेक्रेटरी मटेरियल जैसे पिगमेंट, एंजाइम, तीसरा नेक्टर। फिर आगे डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो सेल के एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के समाप्त होने के बाद जो बनते हैं उसमें, जैसे पहला है एल्किलॉइड, दूसरा है टैनिन, रेजिन, गम्स, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्रिस्टल्स, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल के कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेल के अंदर पाए जाने वाली जितनी चीजें होती हैं उनका एक आउटलाइन बना करके समझने का प्रयास किया। ठीक है, कि सेल और सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं जिनकी हमको डिटेल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब मिला देते हैं तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। ये चारों तरफ से प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होता है। ठीक है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं, और फिर इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और फिर साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड पार्टिकल और हाइलोप्लाज्म। तो अब आगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म का डिटेल देखेंगे। हम लोग अब प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे जो किसी भी सेल का फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। पहले ये जाना जाए प्रोटोप्लाज्म है क्या। प्रोटोप्लाज्म में ऐसे सारे बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो आपस में इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जिससे लाइफ की एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ लाइफ वहां से क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। लिखा है, लिखे हैं पहले कि प्रोटोप्लाज्म इज सो हाईली ऑर्गेनाइज्ड बायोमैटर। ये बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड बायोमैटर है। बायोमैटर मतलब ऐसे पदार्थ जो एनर्जी प्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस को शुरू करने के लिए जरूरी होते हैं, ऐसे पदार्थ को बायोमैटर कहा जाता है। पिछली क्लास में आपको हम बताए थे कि बायोमैटर कौन कौन होते हैं या बायोमॉलिक्यूल कौन कौन होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म इज सो हाईली ऑर्गेनाइज्ड बायोमैटर दैट इज दैट इट जनरेट एनर्जी ऑफ लाइफ। ये लाइफ की एनर्जी को जनरेट करता है, यानी ये नॉन लिविंग चीजों का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो सभी नॉन लिविंग चीजें आपस में मिलकर के ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक एनर्जी ऑफ लाइफ को शुरू करती हैं। ठीक है, दैट मींस इसका मतलब एनर्जी ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि इट इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग। ठीक है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कन्वर्टिंग, किसको कन्वर्ट करने की, केमिकल एनर्जी ऑफ मैटर इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी। जो मैटर की केमिकल एनर्जी होती है, पदार्थ की जो रासायनिक ऊर्जा होती है केमिकल एनर्जी,
उसको ये बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। बायोलॉजिकल एनर्जी को ही हम लोग एनर्जी ऑफ लाइफ कहते हैं, और यही कारण है कि प्रोटोप्लाज्म को हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये जीवन का फिजिकल बेसिस है। फिजिकल बेसिस से तात्पर्य उनका क्या था कि प्रोटोप्लाज्म के जो बायो मैटर होते हैं यही आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इन्हीं के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि जब ये आपस में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलते हैं तो एनर्जी ऑफ लाइफ शुरू होती है, एनर्जी ऑफ लाइफ उत्पन्न होती है। इसलिए ये बायो मैटर ऐसे नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं जो जीवन का आधार बनाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है फिजिकल बेसिस। ये भौतिक आधार है, ये आपस में मिलते हैं, भौतिक माने नॉन लिविंग, लेकिन इनके आपस में मिलने से एनर्जी, लाइफ की एनर्जी उत्पन्न होती है, तो इसीलिए इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। यानी इसके अंदर ये सभी बायोमैटर के, जितने भी बायोमैटर हैं, ये बायोमैटर के पास ये कैपेसिटी होती है ऑर्गेनाइज वे में मिलने के बाद कि वो केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, इसको प्रोटोप्लाज्म इज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन बाय डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, एंड ही गेव नेम सार्कोड, और इन्होंने इसका नाम क्या दिया, सार्कोड। डुजार्डिन ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को देखा था। अब डुजार्डिन ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को देखा, दूसरा द टर्म प्रोटोप्लाज्म इज क्वाइंड बाय पुर्किंजे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, यानी जो सेल के अंदर, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो बायोमैटर है, जो सब्सटेंस है, फ्लूइड लाइक कोलाइडल सिस्टम जो है, जो क्रिस्टलो कोलाइडल सिस्टम है, उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम पुर्किंजे नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, ह्यूगो वॉन महल डिस्क्राइब डिस्क्राइब द प्रोटोप्लाज्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को इन्होंने बताया, प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन किया बढ़िया से और इसके इंपॉर्टेंस को ह्यूगो वॉन महल ने बताया। अब आगे हम लोग एक चीज समझे कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड बायोमैटर है, ठीक है, और जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो केमिकल एनर्जी को, अब मैटर को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसे हम लोग एनर्जी ऑफ लाइफ कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट के नाम कि सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को डुजार्डिन ने देखा, सार्कोड नाम दिया, टर्म जो है प्रोटोप्लाज्म जो नाम है पुर्किंजे ने दिया, ह्यूगो वॉन महल ने प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन किया और उसके इंपॉर्टेंस को बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है, यही वो चीज है जहां बार बार ये बात बताई जा रही है कि एनर्जी ऑफ लाइफ जहां से उत्पन्न होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, इट इज
क्लियर, कलरलेस, वाटरी, कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ग्रेन्यूलर, ग्रेन्यूल एंड ग्लोब्यूल, या ग्रेन्यूलर एंड ग्लोब्यूलर सब्सटेंस। क्या कहा जा रहा है? ये क्लियर, स्पष्ट, कलरलेस, वाटरी, कोलाइडल सोल्यूशन है। ये कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसमें है क्या? ग्रेन्यूल्स माने कणिकाएं होती है, ग्रेन्यूलर एंड ग्लोब्यूलर, जो जैसे फैट ग्लोब्यूल कुछ बूंदे होती हैं, ग्लोब्यूलर सब्सटेंस, ये आपस में मिल करके प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। ठीक, दूसरा जो प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म की जो दूसरी बड़ी, एक तो ये जान गए कि क्लियर, कलरलेस, वाटरी, कोलाइडल सोल्यूशन होता है जिसमें ग्रेन्यूल, ग्लोब्यूल सब्सटेंस पाए जाते हैं, और दूसरी बात है यही कारण है इन समों के नाते कि इसके अंदर विस्कस और इलास्टिसिटी पाई जाती है। मतलब ये दिखाई देता है विस्कस और इस इलास्टिक नेचर इसका दिखाई देता है। दूसरी जो बड़ी बात होती है वो है कि प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करते हैं, प्रोटोप्लाज्म एक्सहिबिट स्ट्रीमिंग मूवमेंट, प्रोटोप्लाज्म एक्सहिबिट स्ट्रीमिंग मूवमेंट, स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो प्रोटोप्लाज्म है स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता, कैसे करता? देखो इनके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स इसका, जैसे पहला है साइक्लोसिस, पहला है साइक्लोसिस। क्या है साइक्लोसिस? ये प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट सेल के अंदर, ठीक, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर चीज के चारों तरफ अगर होता है तो उसे हम साइक्लोसिस कहेंगे। ये दो तरीके का है, पहला रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड ए वैक्यूल, या मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म अराउंड ए वैक्यूल, ठीक है, इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म हो तो उसे रोटेशन कहेंगे। दूसरा इसी का ए और बी, ए पार्ट है ये और ये बी पार्ट, बी क्या है? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड ए वैक्यूल, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, एक वैक्यूल के चारों तरफ हो या एक से ज्यादा वैक्यूल के चारों तरफ हो तो उसे हम लोग सर्कुलेशन बोलेंगे। तो रोटेशन, सर्कुलेशन, ये दो तरीके का साइक्लोसिस हुआ, ठीक है। साइक्लोसिस के बाद दूसरा, जैसे एमीबॉइड,
अमीबॉयड, ठीक। क्या है? मूवमेंट लाइक अमीबा, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइक अमीबा यानी स्यूडोपोडिया बनाकर, ठीक है, स्यूडोपोडिया बना करके अगर ये करता है, ठीक है, तो उसे अमीबॉयड कहेंगे। तीसरा सिलेरी, सिलेरी क्या? अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे जूस्पोर है, क्लेमाइडोमोनास है, उसमें सीलिया पाए जाते हैं और उस सीलिया के जरिए अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है सीलिया, तो वो पूरे उस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर को लेकर के चलता है, तो उसे भी प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट कहा जाएगा। वो प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट के कारण ही सीलिया में मूवमेंट होता है और उस सीलिया के मूवमेंट के कारण ही वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है। तो सीलियरी मूवमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाय सीलिया, बाय सीलिया। तो एक चीज हम लोग ये जाने, ठीक है, कि पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये जाने कि क्लियर सोल्यूशन है, क्लियर है, कलरलेस है, वाटरी है, कोलाइडल सोल्यूशन है, ग्रेन्यूलर और ग्लोब्यूलर नेचर इसका होता है, ठीक। दूसरा, इसके अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट कितने तरीके का है? तो तीन तरीके का। पहला साइक्लोसिस, रोटेशन और सर्कुलेशन आपको बताए, अमीबॉयड और सिलेरी, तो दो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है प्रोटोप्लाज्म का कोलाइडल नेचर। अब हम लोग ये देखते हैं कि कोलाइडल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म लिखे हैं, प्रोटोप्लाज्म इज ए कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सिस्टम। अब हम लोग समझते हैं कोलाइडल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन, ठीक, ये तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है ट्रू सोल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडल सोल्यूशन, तीसरा होता है सस्पेंशन। ये ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल या साइज ऑफ पार्टिकल व्हिच डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, उसके आधार पर जो सोल्यूशन होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। तो कौन कौन? ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और तीसरा सस्पेंशन। कोलाइडल सोल्यूशन की जो पार्टिकल जो डिजॉल्व होती है उसकी रेंज 0.001 से 0.1 माइक्रोमीटर होता है। किसकी रेंज है ये? साइज ऑफ पार्टिकल। अब समझिए बात को, साइज ऑफ पार्टिकल कोलाइडल सोल्यूशन की, चूंकि हम लोग कोलाइडल सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए हमको कोलाइडल सोल्यूशन पर फोकस करना है। तो कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल की साइज 0.001 माइक्रोमीटर पार्टिकल की साइज है। यानी कि अगर किसी सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसमें जो सॉल्यूट डिजॉल्व है उसकी साइज अगर 0.001 to 0.1 माइक्रोमीटर के बीच में आती है तो वो सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन होगा, और अगर उस पार्टिकल की साइज 0.001 से कम है, छोटी है, तो उसे ट्रू सोल्यूशन कहेंगे, और अगर पार्टिकल की साइज 0.1 माइक्रोमीटर से बड़ी है तो उसे सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट के पार्टिकल नेकेड आई दिखाई देते हैं। जैसे आप पानी ले लीजिए, उसमें मड डाल दीजिए, सैंड के पार्टिकल यानी बालू डाल दीजिए, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और हमको दिखाई देते हैं, तो नेकेड आई से दिखाई देते हैं। तो ये सस्पेंशन है, क्योंकि सस्पेंशन में
जो डिजॉल्व पार्टिकल है उसकी साइज 0.1 माइक्रोमीटर से बड़ी होती है और वो नेकेड आई से दिखाई देती है, ठीक है, और वो सेटल डाउन होने की टेंडेंसी उसमें पाई जाती है। और जब पार्टिकल की साइज 0.001 माइक्रोमीटर से छोटी होती है तो वो ट्रू सोल्यूशन होता है जो हमेशा होमोजीनियस फॉर्म में आता है, होमोजीनियस फॉर्म में दिखाई देता है। होमोजीनियस फॉर्म का मतलब होता है कि जब आप किसी सोल्यूट सॉल्वेंट को मिलाते हो तो दोनों के मिलने के बाद केवल एक ही फेज दिखाई देता है, दूसरा फेज नहीं दिखाई देता है, दोनों के मिलाने के बाद केवल एक ही फेज दिखाई देता है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग ट्रू सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे आप शुगर को पानी में डिजॉल्व कर दो तो शुगर पानी में इस तरीके से मिल जाता है कि शुगर फिर दिखाई नहीं देता है, केवल पानी दिखाई देता है। तो इस तरीके का जो सोल्यूशन हमको मिलेगा वो ट्रू सोल्यूशन होगा। अब कोलाइडल सोल्यूशन की बात हो रही है तो कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल की साइज 0.001 से 0.1 माइक्रोमीटर होती है। इस कोलाइडल सोल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज है और एक डिस्पर्सन मीडियम है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? सब्सटेंस व्हिच इज डिजॉल्व्ड, जो डिजॉल्व्ड है, जो घुला हुआ है, उस सब्सटेंस को यहां पर डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और डिस्पर्सन मीडियम क्या है? सब्सटेंस इन व्हिच डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वह सब्सटेंस जिसके अंदर जो घुलने वाला सब्सटेंस है, डिजॉल्व होने वाला सब्सटेंस है, वो जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है सामान्य रूप से, उसे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे आप ट्रू सोल्यूशन में पढ़ते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट माने जो घोला जाए, सॉल्वेंट माने जिसमें घोला जाए। जैसे शुगर है तो शुगर सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। वैसे अगर कोलाइडल सोल्यूशन की भाषा में बात करेंगे तो जिसको घोला जाएगा, जो डिजॉल्व होगा, ठीक है, वो डिस्पर्स्ड फेज होगा, और जिसमें घोला जाएगा वो डिस्पर्सन मीडियम होगा, यानी सब्सटेंस इन व्हिच डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहली चीज कि कोलाइडल सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। अब कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज कोलाइडल सोल्यूशन की, पहला, पार्टिकल की साइज बड़ी होती है ट्रू सोल्यूशन से, फिर भी कोलाइडल पार्टिकल में जो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं डू नॉट सेटल डाउन। पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोलाइडल सोल्यूशन का दूध, मिल्क। मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है, हम सभी लोग जानते हैं। मिल्क में फैट पाया जाता है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, बैलेंस्ड डाइट होती है मिल्क, ठीक है। तो उसमें सारे बायोमैटर जितने होते हैं, लगभग लगभग सारे बायोमैटर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब पाया जाता है, लेकिन वो लिक्विड के जैसा होता है, उसमें फ्लूडिटी हमेशा बनी रहती है, उसका कोई पार्ट सेटल डाउन नहीं होता है, जबकि उसके पार्टिकल की साइज ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ी होती है, ठीक है। तो दूध मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है। तो उसमें आप पहला जो पॉइंट है कि पार्टिकल और डिस्पर्स्ड डू नॉट सेटल डाउन, जो सेटल डाउन नहीं होते हैं कोई भी पार्टिकल। जैसे आप सस्पेंशन में देखते हो कि अगर आप बालू मिलाते हैं पानी में तो सेटल डाउन हो जाता है। दूसरा, कोलाइडल सोल्यूशन सो पहला ब्राउनियन मूवमेंट,
ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, क्या है ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है कि जिग जैग मोशन में, जिग जैग ऐसे मोशन करना, कोलाइडल पार्टिकल का, और जिसके कारण जो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। पानी जैसे आप पानी ले लिया आप डिस्पर्सन मीडियम, तो पानी के मॉलिक्यूल हमेशा उसमें मूवमेंट होती रहती है, तो जब ये सेटल डाउन करने का प्रयास करते हैं डिस्पर्स्ड फेज, तो ये पानी के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और इसलिए उसमें भी मूवमेंट चालू हो जाता है, जिग जैग मोशन स्टार्ट होता है, तो इसी को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, जिसके कारण कोई भी कोलाइडर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट में लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। अगर आप कोलाइडल रेंज वाले पार्टिकल के बीच से लाइट को निकालो तो कोलाइडल पार्टिकल उस लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं। स्कैटरिंग माने उसका फैलाव कर देते हैं। जैसे आप टॉर्च का बटन दबाते हैं तो एयर में कोलाइडल पार्टिकल होता है, जहां से निकलता उस दूरी से ऐसे से फैलाव उसका होता है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ जो मेन प्रॉपर्टी है, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, सेटल डाउन नहीं होते हैं, और जो बायोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होता है सॉल जेल। ठीक है, सॉल क्या है? ए सब्सटेंस, ए कोलाइडल सब्सटेंस हैज फ्लूडिटी। एक ऐसा कोलाइडल सब्सटेंस जिसके अंदर फ्लूडिटी है, एक जगह से दूसरे जगह पर जा मूव कर सकता है, जिसके अंदर फ्लूडिटी है, उसे हम लोग, ठीक है, फ्लूड मतलब लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज के साथ साथ उसके अंदर मूवमेंट हो सकता है, उसे कहा जाता है सॉल्ट। ऐसे जल है, जल नॉन फ्लूइड सब्सटेंस, ए नॉन फ्लूइड कोलाइडल सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसके नॉन फ्लूइड, जिसके अंदर तरलता नहीं होती है, जब तरलता रहेगी तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा, उसके अंदर तरलता नहीं रहेगी। सॉल जल का आपस में कन्वर्जन होता है, सॉल जल। अब सॉल को अगर कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, जल बन जाता है, और जल को हीट कर देते हैं तो फिर से सॉल बन जाता है। एग्जांपल देखो, क्रीम सॉल है, ठीक है, और अगर इसकी चर्निंग कर दी जाती है तो क्रीम से बन जाता है, क्रीम से बन जाता है बटर, ये बटर बन जाता है। तो जो बटर है वो जल अवस्था में, जो क्रीम है वो सॉल अवस्था में, ठीक है, तो और ये दूसरे एक दूसरे में ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो बटर जल की अवस्था में है और जो क्रीम सॉल की अवस्था में है। तो इस तरीके से सॉल और जल के फॉर्म में कोलाइडल सॉल्यूशन में, यहाँ प्रोटोप्लाज्म में चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। पर एक चीज और इसमें है, क्या? केमिकल कंपोजिशन। अगर हम लोग तो आप पढ़े कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अब इसी तरीके से तमाम कोलाइडल सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टी जब आपस में मिलती है तो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सिस्टम बन जाता है प्रोटोप्लाज्म में। पार्टिकल की रेंज क्या होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन से वो कैसे डिफर करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल नेकेड आई से दिखाई देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो बीच की प्रॉपर्टी होती है, जो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ी होती है साइज और सस्पेंशन से छोटी साइज होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, हम लोग उसकी उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब आ रहा है
केमिकल कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन जैसे वाटर 90%, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पहले देखते हैं, प्रोटीन 7%, फैट 2%, कार्बोहाइड्रेट 1%, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1%, आरएनए 0.7%, डीएनए 0.4%। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। आप इसमें हर लेवल पर कुछ कुछ घट बढ़ सकता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यानी कि आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा 90% पानी पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में, 7% प्रोटीन, 2% फैट, 1% कार्बोहाइड्रेट, 1% इनऑर्गेनिक मैटर जो तमाम मिनरल्स वगैरह होते हैं, आरएनए 0.7% और 0.4% डीएनए। तो इस तरीके से एक चीज हम लोग पता लगाए कि जो कोलाइडल नेचर है या प्रोटोप्लाज्म की जो प्रकृति है वो कैसी है, जो नेचर है प्रोटोप्लाज्म का वो कैसा है, वो कोलाइडल नेचर होता है। उसमें सारे ये बायो मॉलिक्यूल बायोमैटर पाए जाते हैं और इन्हीं के आपस में इंटरेक्शन करने से एनर्जी ऑफ लाइफ शुरू।